हाँ जी, वेलकम बैक। एक बार फिर खुशामदीद कहना चाहूंगा सभी सुनने वालों को और अब सभी देखने वालों को भी, क्योंकि फेसबुक पर लिंक हो चुका है हमारा ऑन। ईद का तड़का हमारी स्पेशल मैराथन ट्रांसमिशन आप लोग समाज फरमा रहे हैं 97 FM के प्लेटफॉर्म से, स्टूडियो से लाइव। और आज सारा दिन की आप बीती हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आप लोगों का दिन किस तरह से गुजर रहा है, और साथ में कुछ हल्के फुल्के गाने वाने भी चल रहे हैं भाई, गाए भी जा रहे हैं और सुनाए भी जा रहे हैं। सो आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे, तो गाना आ नहीं सकता कॉल ही करें 0537601961। कॉलर से हम लाइव कॉल पे गाने वाने भी सुनने वाले हैं, और ईद के हवाले से आज आप लोगों का दिन किस तरह से गुजरा उसके हवाले से भी हमारी थोड़ी सी गप्पे शप्पे जा रही हैं। कुछ लोग हमें फनी पोइट्री भेजना चाहते हैं भाई, अलाउड, तो हमें इजाजत है जी, भेज दो। आजकल की ईदों के बारे में वैसे भी हम अक्सर कहते हैं कि जो ईद है वो सारी सोशल मीडिया पे गुजरती है। इसी तरह रऊफ शहजाद हमारे बड़े प्यारे से दोस्त स्पेन से हमें ज्वाइन करते हैं, ईद मुबारक का पैगाम है। और इसके अलावा शहराज अहमद चौधरी हमें ईद मुबारक कहते हैं। शुक्रिया जी तमाम सुनने और देखने वालों का, आप लोगों को भी ढेरों ढेर ईद की खुशियाँ मुबारक हों। अच्छा जी, ऐसा है कि ईद पाकिस्तान वालों की तो होती ही है, जो सात समंदर पार वाले दोस्त हैं हमारे, ये जो अपने बहन भाइयों के लिए, वालदैन के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए एफर्ट्स करते हैं, बाहर गए हैं, इन लोगों की ईद अपनों से दूर रह के कैसी होती है। मेरा ख्याल है ये वो मौके गुजर गए, वो वक्त गुजर गया कि जब कहते थे यार बड़ी औखी ईद गुजर दी है, अब तो ये एडजस्ट हो गया है ना झूठ नहीं बोलना। ओके, जहीब इमरान हमें ज्वाइन करते हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं ईद की, बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। जब तक कॉलर नहीं आएगा ना वो मजा नहीं आएगा गाने का जो मैं सुनना चाहता हूँ। मुझे अब मैं काफी देर से लाइव हूँ, लेकिन फेसबुक पे मैं अभी आया हूँ, मेरा लिंक फेसबुक पे लाइव है। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो जरूर छोटा सा बटन है शेयर का, उसको क्लिक करके अपने दोस्तों तक भी इंटरटेनमेंट का ये पटारी जो है वो अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाइएगा। इसके अलावा कोई स्पेशल मैसेज हो आज के दिन के हवाले से तो जरूर कीजिएगा। पिछले 10-12 साल से जब हम लोग ये ट्रांसमिशन करते आ रहे हैं तो हम लोग एक पैगाम जरूर देते आ रहे हैं। आपको पीछे भी नजर आ रहा है ईद का तड़का, ये तड़के जब आप घरों में लगाते हैं ना, तो घरों में तड़के लगाते हुए ख्याल रखें एक चीज का कि जो आपने कुर्बानी की है उनके जो बाकियात है उसको जरा तलफ करने के हवाले से एक्टिविटी जरूर अच्छी करें। अब तो लोकल मैं यहाँ पे क्रेडिट दूंगा बल्दिया को, खारियां हो, लाला मुसा हो, जहां जहां पर मेरी आवाज जा रही है, डिंगा है, इन लोगों ने भी बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए थे, खासतौर पे जानवरों के जो बाकियात थे उनको उठाने के हवाले से। ईद मुबारक का पैगाम दीदा तर की जानिब से वाजिद अली हमें ज्वाइन करते हैं, आपकी तरफ से भी ईद की मुबारकबाद मिल रही है, बहुत शुक्रिया दोस्तों। और जो परदेशियों की मैं बात कर रहा था, मेरी बात दुरुस्त है या गलत है मुझे जरूर बताइएगा। नुमान बेग हमें ज्वाइन करते हैं, आप और FM की पूरी टीम को ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू नुमान, बड़े अरसे बाद आपका दीदार हुआ फेसबुक पे, आप तो यहीं पर रबते रहा करते हैं हमारे ज्यादा से ज्यादा, है ना। सोशल मीडिया जहां पर हमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है वहीं पर हमें मतलब मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जब तक बात ना हो, जब तक जानवन मुलाकात ना हो, तब तक वो टेस्ट कभी भी नहीं आ पाता जब तक जो आप लोग फेसबुक से या व्हाट्सएप से लेते हो। जानवन मुलाकात का अपना ही एक जायका, अपनी एक मजा है। और दोस्तों की महफिल हो, उस महफिल और मोबाइल लेस महफिल हो जिसमें मोबाइल फोन कम से कम यूज ना किया जा रहा हो। नजीर अहमद हमें ज्वाइन करते हैं, बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, आपका भी थैंक यू वेरी मच। सिंगर कौन आ रहा है भाई आज मेरे प्रोग्राम के अंदर? एंड ते पता की होंदा, हमेशा की तरह एंड ते होंदा सिंगर कोई नहीं आंदा, मैनू आपे गाना गाना पैंदा है। मैं तुहानू पहले दस दिया जानवन मेरा गला खराब है, गोश्त खा के नहीं होया ईद तो पहली, मैं एक दो दिन पहली मेरी तबीयत अपसेट होना शुरू हो गई सी ऐ सोच के कि ईद नेड़े लग गई है। पहले जब बचपन था तो ईद ईद को सोच के खुशियां होती थी ना कि करीब आ रही है ईद, करीब आ रही है। फिर जैसे जैसे जवानी और बुढ़ापे की तरफ कदम रखते गए फीलिंग्स बदलती चली गई। ओके जी, जकाउल्ला मलिक हमें ज्वाइन करते हैं, मुबारक ब्रो, बहुत शुक्रिया जी, आपको भी बहुत बहुत ईद की खुशियां मुबारक हो। आप बीती कौन सुनाएगा मुझे, टाइप करके ना सुनाइएगा, कॉल पे सुनाइएगा मुझे, कॉलर से मैं बात करना चाहूंगा 0537601961। व्हाट्सएप के ऊपर आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं उनको भी मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाता हूं। कौन कहां से है जी? आमिना ज्वाइन करती हैं, शुक्रिया। तानिया हमें ज्वाइन करती है, थैंक यू, तुम्हारे का पैगाम है जी, नाम भी लिखा करें एक और, आईडी से मुझे पैगाम आया, बहुत शुक्रिया जी, आपका भी इतनी भी बड़ी मेहरबानी होती है आजकल इतने मुश्किल तरीन दौर में जब बंदा किसी को कुछ लिखता है। अरशद हमें ज्वाइन करते हैं, सलाम, गुड मॉर्निंग। और जका भाई क्या कहते हैं कि FM पर
पूरा पूरे डोगे को मुबारक मलिक जकाउल्ला की तरफ से। अच्छा ठीक है, पूरे पिंड नू जनाब तुसी ईद मुबारक का पैगाम भेजे। वैसे ऐसी की खास गल है डोगे च जिहड़ी तुसी पूरे पिंड नू भेज दित्ती है? बड़ी दोस्तियां ने तुहाडियां है पूरे पिंड नाल। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। और ये कौन है जी? इतलस चौधरी है डिम्बर आजाद कश्मीर बरसाली से। थैंक यू, आने शुरू हो गए ना व्हाट्सएप, जाग गयो, मुझे लगा खा खा के ना गोश्त सुते पे ने सारे। इसमत आवान ज्वाइन करती हैं और भाई मुबारक का पैगाम। थैंक यू इसमत, बहुत शुक्रिया, नाम कितना प्यारा आपका ना। सलाम, क्या हाल है भाई मुबारक? आज तो बहुत ही बिजी दिन गुजरा कुर्बानी की वजह से। और ये है जी हलीमा जोड़ा कर नाना से। ओके थैंक यू हलीमा, बहुत शुक्रिया आपका। वाकई फीमेल का कहते हैं ना कि कोई लेना देना नहीं होता, तो ज्यादा तो लेना देना फीमेल का होता है। असल कुर्बानी में बंदे ने फाइनेंस कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दी, घर ले आया, कसाई बुला लिया, पीस करवा दिए, बांट दिया। अब वो बांटने की जिम्मेदारी भी मोस्टली खवातीन जो है ना इसको बड़े आसान तरीके से पूरा करती हैं। और उसके बाद जो फिर जो दोस्तों का घरों में आना, भाई के दोस्त आ रहे हैं जी खाना दें, फलां आ रहा है जी खाना दे। वलीद हसन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। और आरजे वलीद है हमारे बड़े प्यारे से भाई, बहुत शुक्रिया आरजे वलीद। रऊफ शहजाद कहते हैं कि कदे बांसुरी सुना दो, बड़ा अरसा हो गया। ठीक है बड़ा अरसा हो गया मैंने भी बजाया तो चलो जो मेरे हाथ चढ़ी ना बांसुरी तो फिर जरूर तुम सुना के। हमजा मुख्तार हमें ज्वाइन करते हैं, शुक्रिया। और ईद मुबारक के पैगाम है आपकी तरफ से भी। शाहिद जावेद हमें ज्वाइन करते हैं, ईद मुबारक ब्रो, बहुत शुक्रिया जी। आज आप बीती कौन सुना रहा है भाई? हलीमा ने तो सिर्फ ये बताया मैं आज बड़ा ही मसरूफ थी। फौजी हमें ज्वाइन करती है मटवा वाला से, इस्लाम क्या हाल है डियर स्वीट सर जी? बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज़ सुन के मेरी तरफ से आपको और एफ एम 97 की पूरी टीम को, 97 की पूरी टीम को ईद मुबारक का पैगाम। अच्छा जी आज बड़े गिफ्ट आए 97 पे, मिठाई आई, केक आए, गोश्त के शॉपर भी आए। हैरान कुन बात थी, पता नहीं किस आरजे ने किससे मंगवा लिए होंगे, वो बेचारे हमें पकड़ा के चले गए। चले अमानत है जिसकी है ले जाइएगा। हमजा हमें ज्वाइन करते हैं और सलीम सनी हमें ज्वाइन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, ईद मुबारक। आई एम सलीम सनी फ्रॉम भावलपुर। ओके जी भाई ईद ईद नाम कर लेंगे सर, ठीक हो गया। सराकी गाना कहते हैं ईद मुबारक का लगा दें। यार मुझे ढूंढते हुए बहुत टाइम लग जाता है, यकीन करें आज मुझे घर से यहाँ पहुँचने में जितना टाइम नहीं लगा जितना मुझे अब मैं दिखा नहीं सकता सॉक्स ढूंढने में लगा। मैंने तो मेरी जराबा नहीं लगती हैं, तुम कहते हो गाना लग दो ओके गुलाम अब्बास, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ ढूंढ के लगाता हूँ। गुलाम अब्बास कहते हैं कि मेरी तरफ से एफएम टीम को ईद मुबारक, और ये दुबई से हमें इस वक्त सुन और देख रहे हैं, थैंक यू। हसनात अहमद हमें ज्वाइन करते हैं, ईद मुबारक सर, आई एम फ्रॉम दुबई। देखा सात समंदर, दो समंदर, तीन समंदर, कितने समंदर पार लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने स्पेशल 97 के लिए रिकॉर्डिंग बनाई है भाई, जुनैद के शो में की थी, उन्होंने शामिल ही नहीं की। कौन सी रिकॉर्डिंग थी? चले मुझे बताइएगा, मैं किसी प्रोग्राम में जरूर शामिल कर दूंगा, ठीक है। किस्मत अवान कहते हैं मैं लड़का हूँ लड़की नहीं, ओए होए। अच्छा सॉरी भाई मुझे लगा लड़की है, तो इस्मत का मतलब तो इज्जत होती है भैया ना, या असमत है? अच्छा असमत और असमत ही होता है नाम, इसमत तो होता नहीं, मैं भी जेर लगाए जा रहा हूँ। लाल सईद का साथ साथ गाना भी प्ले करते हैं ताकि आप हल्का फुल्का कुछ सुनते रहें। ओके जी रिकॉर्डिंग भेजी है मुझे, रिकॉर्डिंग प्ले कर दूं? कर दूं प्ले पक्का, करने लगा हूं। ठहरो मैं इसको पॉज कर दूं, रिकॉर्डिंग सुनते हैं लड़की ने क्या भेजा। रिकॉर्डिंग प्ले हो जाओ भाई, रिकॉर्डिंग का अभी मूड नहीं है। ठीक है शामिल करेंगे, जरूर शामिल करेंगे जी। ओके जीरो भाई कहते हैं कि आखिरी सॉन्ग, यार मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा। अच्छा अमीर हुसैन अगर मेरी जान से यार की याद करा रहे हो मनो रोहू भाई का समझ। रोहू भाई आपका मुझे चेहरा नजर आता है ना तो मुझे बहुत सारी चीजें याद आना शुरू होती है। तुसी समझदार हो, तुसी बहुत समझदार। रोहू भाई के साथ इतना अच्छा टाइम गुजरा, अक्सर इनकी अपनी एक शॉप थी, इनके लिए शॉपिंग करने के लिए हम लाहौर जाया करते थे। इनकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में मुझे एजुकेशन मिली कि शॉपिंग कैसे करते हैं। शॉपिंग करना भी एक हुनर है, एक फन है, हर बंदे को नहीं आता। तो हर बंदा शॉपकीपर के सामने लल्लू बन जाता है, लेकिन ये रोहू भाई जो थे ना इन्होंने मुझे दुनियादारी भी सिखाई साथ। तो उसी उस्ताद लोगो रोहू भाई। कॉलर से बात करते हैं, नवा नवा गाना तो सुनाने। अस्सलाम वालेकुम।
ओ वालेकुम सलाम। और शुक्रिया शुक्रिया। मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से बोलो बोलो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। पहले तो ये बताएं, वालेकुम सलाम, ये बताइए आपको, आपकी आवाज आ रही है? आ रही है। रेडियो से आ रही है? आ रही है। साफ आ रही है? आ रही है। पक्की बात है? क्योंकि अक्सर ये बंदा, ये बंदा अक्सर शिकायत करता है। अच्छा जी, गाना आपसे मैंने ईद वाला सुनना है इस बार, तुसी हर बारी मुंह दाल आके टुर जांदे हो। ईद वाला सुनाइए। हैं इदा ते शबरात आईया ते मुल्ला ते ए केड़ा जोड़े वैसे यार। एक गाना अक्सर लोग गाते हैं कि ईद आई मेरा यार नहीं आया, पता इस अच्छा ठीक हो गया। हाँ 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 हाँ, क्या बात है, ठीक हो गया। पंजाबी में कोई शेर, पंजाबी में कोई शेर आता है भाई जान? पंजाबी में शेर, पंजाबी में शेर नहीं, पंजाबी में इस वक्त शेर में नहीं कोई आ रहा है। चलो कोई ईद का शेर सुना दे। ईद का दिन है, गले हमको लगा कर दीजिए। हाँ, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, हाड़े नाव भी है। बड़े ये बाबा जी बड़े रोमांटिक हैं, इनकी बातों पे नहीं जाना, बिल्कुल इनकी बातों पे नहीं जाना। मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी बातों पे नहीं जाना आपने, और घबराना तो बिल्कुल नहीं है। खैर मुबारक, पैड़िए खी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत अच्छा हूँ, बाकी चीजें मैं आपको लाइव सुनाता हूँ सारी चीजें। अगलों की बारी भी आने दें। गाना सुना दिया आपने, शुक्रिया। ठीक है जी, वालेकुम सलाम। रहो भाई, कहते ने गलती नाल कुछ और ना कह दियो, मैं तो दस दिया किसी दिन मेरे को गलती हो जानी जी, मैं एडवांस थोड़े को माजरत कर लेना, डिंगे वाले भी थानू चंगी तरह जानते हैं। आगे जी असमत कहते हैं कि जिन रास्तों से आप गुजरे उन रास्तों को भी मुबारक। वाह जी वाह, यानी कि तन्नू भी सलाम ते तेरे मनन वाले भी सलाम है। आगे जी 0537601961 पे आप कॉल कर रहे हैं और बता रहे हैं आप बीती। मैंने चाचा जी से इसलिए नहीं पूछी कि अभी तक इनके ऊपर पता नहीं क्या क्या बीत रही है, गल लम्मी हो जानी है ते बह के नहीं मुकनी। ऐसे वास्ते कुछ टाइम चोखा चाहिए है ना चाचा जी। अच्छा जी, मेरी ख्वाहिश है, बेशक मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर ले, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे एक सुरीली आवाज में अच्छा सा एक गाना सुनना है। आप लोग इसमें सपोर्ट करें, ईद मेरी ईद को खूबसूरत ईद बना दें। मैं तो आपको सुनाता ही रहता था ना, है ना। सलाम मेरे बिजी भैया आ गए पाजी, टाइम मिल गया थानू तो। आज मेरी यहां से कॉल पिक करनी है, मैं दस रही हूं आनिया। ओके आनिया, कॉल करो मुझे, आनिया से गाना सुनते हैं। आनिया बड़ी सुरीली लड़की है ना। हाँ जी, किसी के पास कोई मजाइया शायरी है ते सुट्टो। अख्तर अब्बास कहते हैं तुम बारी, खैर हूँ बारी का भाई। ईद का तड़का तब तक नहीं लगना जब तक आपने कोई अच्छा सा गाना नहीं सुनाना। शहजादा में तुम्हें ज्वाइन करते हैं और कहते हैं थोड़ी क्रीम लगा लिया करो यार। लगाई है ना दांतों पे, देखो नजर आ रही है।
ਕਾਲੇ ਜੇ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਕੀ ਨਨ ਕੁੜੀ ਸੁਣਿਆ ਗਾਣਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਟੋਟੇ ਚ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ और ये कलर बहुत अच्छा होता है मेरा भाई आपको नहीं पता इसकी डिटेल मैं आपको अलग से बताऊंगा क्या मैंने कि इस तरह का जो रंग होता ना ओदे ते सूरज की रोशनी असर नहीं करती ओह सूरज दी किरण सोच दिया ने एनु मैं उन्होंने और कितना कसाड़ा जी सका भाई कहते हैं आर जे आसिफ को स्पेशल सा सलाम और ईद मुबारक और हाफिज जानी हमें ईद मुबारक का पैगाम देते हैं थैंक यू ब्रदर आसिफ शबीर और एम एस रहमान के साथ ये ईद मेरी गुजरनी है साहब से फ्री होने के बाद फिर उनके साथ मैंने लाइव हो जाना है जिसने मुझे देखना हुआ ना मेरी वॉल पे आ जाइएगा ठीक है आनिया करो भाई कॉल मैंने नंबर फ्री छोड़ा हुआ है तो आप लोग फिर नखरे कर रहे हैं गल्ला कर दे फिर ਕਿਹੜਾ ਕਸਮ ਦੇ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੋ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਅੱਗ ਲਾਵੇ ਆਗੇ ਜੀ ਕੋਈ ਕੀ ਸਬਰ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੱਕ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਜਗੂ ਤੇ ਚਰਚੇ ਕਰੋ ਭਾਈ ਮੁਝੇ आपकी बात अभी भी नहीं भूल रही यार अच्छा हर बंदे की लाइफ में ना एक स्टोरी होती है और अक्सर औकात ये कहा जाता है ये खास तौर पे बात मैं कर रहा हूँ फॉरनर्स के लिए जो सात समंदर पार कहते हैं ना उनके लिए बात कर रहा हूँ कोई बात करना चाह रहे बात कर लें उससे ओके हेलो हेलो कॉल मिल गई तो नाच गए अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल चेंज हुआ लोगों का आप लोगों ने फील किया मुझे अभी भी याद है 10-12 साल पहले का रेडियो आज का रेडियो आज का दौर आज का सोशल मीडिया और बहुत सारी चीज़ें और बिहेवियर्स लोगों के रवैये लोगों के सब में एक बहुत अच्छा और बड़ा पॉजिटिव चेंज है रीज़न क्या है रीज़न यह है कि आप लोग किसी ना किसी सेंस में किसी ना किसी स्टेज पे एजुकेट हुए और किसने किया किस मीडियम ने किया इलेक्ट्रॉनिक सोशल डिजिटल जो भी मीडियम था मीडिया ने आपको एजुकेट किया और आप लोग और ज़्यादा अच्छा बोलना शुरू हो गए अस्सलाम वालेकुम हेलो वालेकुम अस्सलाम कौन कहाँ से आनिया बात आनिया की आवाज़ आ रही है मैंने मोबाइल उठा के कहाँ रख दिया देखिए आनिया आपने किस पे कॉल कर लिया है दूसरे नंबर पे कॉल करो ना बच्चे यहाँ पे करती हो और इसी तरह करती हो जिस तरह मैं सुन रहा हूँ मतलब ये कि साउंड ऐसे ही आता है मुझे आपका साउंड बहुत कम आ रहा है अरे मज़ा नहीं आ रहा आपसे बात करके भाई इस पर बहुत कम साउंड आ रहा है आप कोशिश करें आपका अच्छा ऑडियो है उधर आए ना जिधर सारे लोग आ रहे हैं लाइन बना के उठे खलो जो तुसी शाबाश इस तरह ये फिर मुझे अकेले को आवाज आएगी बाकी लोगों को नहीं आएगी तो फिर वो मजा नहीं आएगा जो प्रोग्राम का होना चाहिए ओके जी इसमत कहते हैं भाई आप बहुत अच्छे हैं थैंक यू जी इसमत आप बहुत अच्छे हैं जी और कौन सा गाना है लीजिए नंबर शुरू हो गए दो दो करके गिनते जाइए कितने नंबर हैं हाँ जी शायरी किसके पास है अच्छी सी मजाहिया सी आने दो भाई आने दो जी जोर है जी जोर कौन है वॉचिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ओके जी जोर मुझे ना अपनी फ्रेश पिक्चर भेजिएगा जरा मैं देखना चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया आज कैसा नजर आ रहा है जैसा मैं छोड़ गया था बिल्कुल वैसा ही है ईद मुबारक टू यू एंड ऑल लिसनर्स थैंक यू वेरी मच हुण ते पाजी यूरोप एंज हो गया ना जिवें तुसीं इत्थों कहिंदे हो कि मैं ना ऐ जरा गुलियाणा तक हो के आया रुखसती के बाद दुल्हा दुल्हन की गाड़ी अभी 10 फुट ही चली थी कि दुल्हन ने चलती गाड़ी का दरवाजा खोला और लहंगा संभालती हुई माँ बाप की तरफ दौड़ी हर आंख अश्कवार हो गई हत्ता के मूवी बनाने वाले की आंखों में भी आंसू आ गए दुल्हन के बाप ने परेशान होकर पूछा बेटी क्या हुआ दुल्हन बोली कुछ नहीं अब्बू वो चार्जर भूल गई सी अच्छा था भाई थैंक यू वेरी मच
ये क्या अभी, काश रिश्तेदारों की कुर्बानी जायज होती, मैं सारे वर्ड देने से। अच्छा बहुत सारे लोग ना ये इस तरह की चीजें लगाते हैं, ये मोटिवेट नहीं करती, डीमोटिवेट करती है लोगों को। किसी एक आध बंदे ने अगर कुछ गलत कर दिया या कह दिया, आपने पकड़ के सारे रिश्तेदारों पे बोल दिया। मैं पर्सनली इस चीज को बहुत बहुत जो है ना बुरा महसूस करता हूँ, नामुनासिब सी चीजें ऐसी। अच्छा हर बंदा दूसरे बंदे से परेशान और बेजार है। टिकटॉक खोल लो, ऐसे है कि जैसे एक बंदा ना कई दुश्मन पाल के बैठा हुआ है, लोगों को जलाने के लिए वो खड़ा है, कुछ ना कुछ कह रहा है, गलत है। या आप अपनी भड़ास निकाल रहे हो और अपने अंदर नेगेटिव जम्स पैदा कर रहे हो, जो अगर डेवलप हो गए ना किसी नई नस्ल में तो सारी नस्ल ही खराब हो जानी, बड़ा गर्क हो जाना अगली नस्ल का। मैं दस दिया तुम आगे जी जोर, थैंक यू वेरी मच। और आयमा, आयमा खान क्या कहती हैं, ईद मुबारक भाई फ्रॉम कश्मीर, थैंक यू आयमा। ओके जी सर जी, मेरी कॉल व्हाट्सएप पे ही पिक कर ले, मेरा पैकेज नहीं है, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। जी कौन कहां से? ओके ईमान, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? अच्छा नहीं रो रही तो फिर मुझे क्यों लग रहा है आपका मुंह रोने वाला हो गया हुआ है? ते मेरा पुत्र सो जो, तुसी किधर ओखे होंगे, कॉल मिला लिए रेडियो ते। ठीक हो गया, ठीक हो गया। गाना कौन सुना रहा है मुझे? चलो मैं ही आपको सुना, तो मुझे पता है एंड ते मेरे ते ही गल पैनी है सारी आके। ठीक हो गया बच्चे, थैंक यू वेरी मच। बाकियों को मौका देते हैं ताकि और लोग भी शामिल हों प्रोग्राम के अंदर। आओ जी सारे अपना अपना हिस्सा पाके जाओ। ओके जी, ईद का दिन कैसा गुजरा मुझसे पूछ रहे हैं कादरी साहब। ओके कादरी साहब बताते हैं। आयमा कहती हैं भाई कोई पंजाबी सॉन्ग चला दें। ये पंजाबी है बच्चे? ये पंजाबी में ही है। ओके जी, मंजिलें भी इसकी थी, रास्ता भी उसका था, काफिला भी उसका था। क्या यार आज के दिन भी रोना धोना डाला हुआ आपने। रिलैक्स, कॉल पिक करें भाई। ओके करें जी, मैं पिक करता हूँ। कौन है कॉलर, कौन है कॉलर? अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, फायजा मटवा वाला से। कैसी हो फायजा, खैरियत से हो? खैर मुबारक। अच्छा कौन सी चीज थी जो आपने 13 सेकंड की मुझे भेजी थी? मैं पूछ रहा हूँ लड़की, कौन सी चीज थी जो आपने मुझे भेजी थी? फायजा आवाज, फायजा मजा नहीं आ रहा भाई, क्या मसला है आपके नेट के अंदर, कोई प्रॉब्लम? एक ते तुहाडा नेट नहीं ठीक होंदा, फिर तुहाडी ख्वाहिश भी होंदी है नहीं भाई पैसे ना साडे जाया हो जाण, तुसी रेडियो नूं इंजी फालतू जी छै समझ लैंदे। ऐ जिहड़ा नंबर तुहाडे वास्ते रख्या इहनूं चक दी इत्थों फिर। मोहम्मद जुनेद जट कहते हैं ईद मुबारक, आई एम जुनेद जट फ्रॉम ग्रीस। और कहां से हैं पाकिस्तान में? बरनाला से, आजाद कश्मीर से। ओके नाइस। साकिब मजीद हमें ज्वाइन करते हैं और कहते हैं आरजे बिलाल कब करेंगे? कल करेंगे, कल। कोई कुर्बान होता है तो किसी की ईद होती है। वाह वाह वाह, जब कुर्बान होता है तभी तो ईद होती है। हमें ये खौफ था यार, ये कौन से शेर शुरू हो गए हो और सीरियस नहीं सुनाने भाई जी। सो स्वीट, फर्स्ट टाइम आपको लाइव देख रही हूँ, मेरा मैसेज पढ़िएगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। आयमा खान है जी, शुक्रिया आयमा। और चौधरी उस्मान अली मेहर कहते हैं तमाम अहले इस्लाम को ईद उज़ुहा की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अच्छा कॉलर से ना एक सवाल पूछते हैं, देखते हैं उसका क्या जवाब देता है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मेरे लिए पैकेज ते मेरे मोबाइल ते लवा देना सी, मैं बगैर पैकेज तो पूरा हफ्ता हो गया यूज कर रहे हैं। मैं ठीक ठाक, कौन बात कर रहा है जरा सबको बताइएगा। फायजा बात करिए मटवा वाला से। फायजा ईद मुबारक, थैंक यू वेरी मच, खैर मुबारक। फायजा बताइएगा ये कौन सी ईद है? ये कौन सी ईद है? ये बकरा ईद है।
अच्छा इसको उर्दू में क्या कहते हैं? तड़के वाली ईद। ये तो हमारी ट्रांसमिशन का नाम है ना, ईद का तड़का। मुझे ये बताइएगा कि इस ईद को क्या कहते हैं? जिस तरह छोटी ईद को कहते हैं ईद उल फित्र, तो इस ईद को? हाँ शाबाश, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। एक बंदे से मैंने पूछा, कहता है ईद उल अस्हा। मैं बहुत अच्छा गाना सुना है। कौन सा गाना सुना रही है? अच्छा अच्छा थैंक यू वेरी मच। मुझे ये बताइएगा कि गाना कौन सा सुना रही हैं आप? नहीं गाना नहीं सुना। तो फिर ज्यादती ही ना, बुरी है। मैं बुरी आवाज में गाना सुनने का ख्वाहिशमंद हूँ आज। सारे पास बैठे हुए हैं, उनको बोले सारे खड़े हो जाएं। तुसी की तारा ला मोबाइल लेके बैठे हो, बाहर निकल के दूजे कमरे च बैठ के सुना दियो। अब कहाँ आनी है हमारी आवाज, बाकी पूरी दुनिया को आएगी। और कुछ कहना चाहो फायजा? ओके थैंक यू वेरी मच। और में भी टाइम दिया ना, उस्मान अली मेहर, मियाँ अब्दुल्ला। मियाँ अब्दुल्ला कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, AEIOU वोवल्स। इमान फातिमा कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? मुबारक शो, बहुत अच्छा है आपका। और बस सब सुनने वालों को सलाम, ईद मुबारक। कॉपी पेस्ट पे हाथ रखा हुआ इमान ने, सारे प्रोग्राम में यही फीडबैक दिया इस लड़की ने। मजाल है कोई एक लफ्ज एक डॉट भी इधर उधर हुई हो। जिंदगी कितनी आसान कर दी हमारी सोशल मीडिया ने, नया कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, यहाँ से आया वहां से भेज दिया। अल्ताफ चौधरी में ज्वाइन करते हैं, ईद मुबारक। खैर मुबारक, छोटी ईद होती है बड़ी ईद होती है, ईद कार्ड तो ऐसे था ना जैसे कोई लाजिम चीज है, फर्ज है। कसम से इतनी मजे वाली हमारा इतना मजे वाला माजी है ना, आप लोगों का माजी तो सारा डिजिटल है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, कॉल मिल गई है मूड गल करन दा? हेलो जी, मैं क्या कौन गल कर रहे है? कौन बात कर रहा है? की बनेगा साडा, की बनेगा? अल्ताफ चौधरी कहते हैं मुबारक, थैंक यू वेरी मच। खैर मुबारक, अच्छा चले पहले मैं कॉलर से बात करूं फिर आपसे करता। हेलो हेलो, हाँ जी गल करनी है, बिल्कुल करो। मैंने गल, आतिफ प्रिंस कहते हैं कि रब्त रखना है अगर मुझसे तो अदावत कर लो, मुझको ये प्यार मोहब्बत की हवा रास नहीं। आए हाय हाय, हेलो जी, कौन कहां से इरशाद फरमाने की कोशिश कर रहा है? हेलो जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। हेलो 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 नहीं बोलना, बस बात करते जाएं। ओके सबा कैसी हो यार? सबा की आवाज बड़ी अच्छी है लेकिन ये पता नहीं कहां से सुन रही है। अच्छा जी, आतिफ प्रिंस बहुत अच्छा शेयर था, मजा आ गया, लेकिन मुझे थोड़ा सा फनी चाहिए था आज के दिन मुनासिबत से। अगर आपके पास कोई फनी पोट्री हो तो सेंड कर दो फौरी तौर। वो पूछना ये था कि जैसे कोई शख्स हज करने के बाद नाम के साथ हाजी लिखता है तो फ्रॉड करने पर फ्रॉडिया क्यों नहीं यार, किस तरह के साथ मासूम सवाल पूछ रहा हूँ। हेलो हेलो, गल करो। वालेकुम सलाम सबा, आपने मेरे साथ कोई बात नहीं करनी, बस गाना सुनाएं। मुझे समझ आ गया, आप मेरे साथ कोई बात नहीं करें, बस गाना सुनाएं। सबा गाना सुनाओ। जी जी बोल रहे हो, बोल। ओ यार की हो गया स्टूडेंट, यासरी बात कहते हैं तुम्हारी, और इसके अलावा मिर्जा अनस अहमद, अनस अनस
ओके लव यू फ्रॉम यूएई। ओह नाइस, थैंक यू। इतनी दूसरी इतना ज्यादा और इतना मीठा प्यार कमाल करती है, तुसी ते यकीन करो। अच्छा यार, लड़की बहुत अच्छा गाना सुनाई थी। खैरियत पूछो कभी तो कैसी, इसका करोगे मिले ना तो फिर आपको सुनाऊंगा। ये गाना बड़ी मजेदार है, माय फेवरेट, माय फेवरेट। मिल गया ले जी, सुनने फिर गाना। मॉर्निंग शो में सुनाया कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे दीवाने क्या हाल है। संडे नाइट में काफी संडेज बगैर पोएट्री के फीके फीके गुजर गए, अभी गुजर रही है उस बात से काफी फरागत है। आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा टाइम मैंने स्पेंड करना है। भाई आपकी ईद कैसी गुजरी थी और आज हमजा कब करेंगे प्रोग्राम? हमजा लास्ट नाइट करेंगे प्रोग्राम। हेलो हेलो सबब, बेटा दूसरे दूसरे कान से रेडियो सुनो और इस कान से कॉल करो। अब तो बिल्कुल नहीं आएगी। आगे जी, एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक बाय बिलाल सईद की बात है ना, एंड बोहेमिया। कि मेरे प्रोग्राम में टाइम थोड़ा यहीं पे तक का था, बाकी आपको बैक टू बैक में म्यूजिक बहुत अच्छे अच्छे सुनाई देंगे। सो स्टे ट्यून्ड, फिर आप लोगों से गप होगी, फिर आप लोगों से मुलाकात होंगी, फिर आप लोगों से ढेरों रफाक से ढेरों प्यार होगा। कि आप बीती का मुझे सुना दो, मैं जाने से पहले थोड़ी सी सुना दो। आज का दिन सुबह सो के उठा और उठने के बाद इतनी मजे वाली डिशेज थी जो कि अक्सर कुर्बानी के बाद खाने पीने को मिलती है, मुझे उससे पहले मिल गई। एक रात पहले से बड़ी अच्छी तैयारी की हुई घर वाली। सो डिलीशियस किस्म का ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है वो लंच की बारी आई तो बड़ा लविश किस्म का लंच किया, और उसके बाद जब डिनर की बारी आई तो बस सारे दिन खा ही रहे हैं। सिंपल बात ये, खाए जा रहे हैं। मुझे लगता है ये 3 दिन खाने की है, लेकिन इतना मत खाइएगा कि आप लोगों को एसिडिटी हो जाए या फिर आप लोगों को जो है ना वो डॉक्टरों की जेबें भरनी पड़ रही।